हेलो भाई। हाँ, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने जो है आपको आइडेंटिटीज कराई थी उनके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कुछ। आज जो वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से कर लें। ठीक है, तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल ए, इफ ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 13, साइन बी कॉस सी एंड टेन बी का हमें जो है क्वेश्चन मतलब जो है वैल्यू बताना है। ओके, जब हम ट्रायंगल की वैल्यू करते हैं तो देखिए टेल्यू ट्रायंगल में वैल्यू है, जब निकालते हैं तो हम ट्रायंगल का सबसे पहले फिगर बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ए होना यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर मैं बी लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं सी लिख लेता हूँ। ध्यान दें कि जब बी की बात करेंगे हम, बी एंगल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बी है, तो ये बी वाला फिगर काम करेगा यहाँ इन दोनों के लिए बी वाला फिगर काम करेगा। और इस कॉस के लिए हमें एक नया फिगर बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ। ये है इसके लिए, यहाँ पर रहेगा ए, यहाँ आ जाएगा सी। देखिए जो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ नोट करना होता है। ओके, तो ये दो फिगर हमारे पास हैं। अब हमें दोनों में पता है कि जो वैल्यू दे रखी है उन्हें हम रखते हैं, ए बी इक्वल टू 12 और बी सी इक्वल टू 13। देखें, और ए बी इक्वल टू 12, बी सी टू 13। देखो दोनों में पता है वन साइड मिस है, क्या है वन साइड मिस है, एक इसमें बेस मिस है और इसमें परपेंडिकुलर पी मिस है। तो इन चीजों देखें, जब ट्राइंगल में दो चीजें दी गई हो यानी दो साइड्स दी गई हो और एक साइड मिस हो, उसे निकालने के लिए हमें 8th क्लास में बताया जाता है कि पाइथागोरस यूज करनी होती है। तो हम यहाँ पाइथागोरस जानते हैं, पहले से ऑलरेडी हम लिखते हैं एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब भाई जो नहीं जानते वो समझ लीजिए, एच होता है हाइपोटेनियस, पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस। हाइपोटेनियस इज कर्ड कर्ड पी यानी के लंब और बी यानी के आधार। ठीक है, ये होता है, ये आप समझ लीजिएगा। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, मैं इस वाले फिगर को ले लेता हूँ, इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करता हूँ। तो हाइपोटेनियस 13 है और लंब हमारे पास है नहीं है, आधार हमारे पास 12 है। ठीक है, जब हमारे पास ये 169 हो गया, लंब हमारे पास है नहीं है, प्लस हमारे पास 144 हो गया, जब 165 माइनस 144 इज इक्वल टू लंब का स्क्वेयर हो गया, देन यहाँ पर हम देखेंगे 25 आ गया और यहाँ लंब का स्क्वायर हो गया। जब हम अंडर रूट में इसे 25 लिखेंगे तो लंब आएगा यहाँ पे, और लंब की वैल्यू देखें तो 5 आ गई। क्या आ गई? लंब की वैल्यू। तो लंब है हमारे पास, वो क्या आया? 5, यानी कि परपेंडिकुलर जो है क्या है? 5। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ P इक्वल टू 5 और यहाँ पे जो वैल्यू है बेस भी 5 होगा, क्योंकि तो उस वाले फिगर पे तो 5 हुआ है, इसमें ये है। यहाँ पे AC देखेंगे, AC यहाँ पे। ओके, तो हमें वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें बताना क्या है, साइन बी की वैल्यू, साइन बी कॉस सी की वैल्यू एंड टेन बी की वैल्यू। ओके, ये बताना। देखें हम जानते हैं क्या, LALKKA, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान रा भरा, ये मैंने दो फॉर्मूले आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ठीक है, साइन की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ साइन की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर यानी इसमें बी वाले में बात करेंगे, बी है ना साइन, साइन की वैल्यू क्या है? बी। तो बी वाले में बात करेंगे तो 5 अपॉन लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, 5/13। ओके, कॉस की बात करें, कॉस सी, कॉस सी, तो सी वाला फिगर कौन सा? ये वाला। तो कॉस सी बात करेंगे तो बी अपॉन एच, क्या है? बी अपॉन एच। तो बी क्या है? 5। एच क्या है? हाइपोटेनियस 13। ओके, टेन बी की बात करेंगे, टेन बी वाला फिगर कौन सा? ये वाला। तो यहाँ पे लंब बटे आधार यानी कि पी अपॉन बी, पी यानी
तो क्वेश्चंस के आंसर हुए 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंट लिख देता हूँ, आइडेंटिटीज, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी। अब आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो ये जो है आने वाले आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं उल्टा भी लिख देता हूँ, तो कोसेक थीटा का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कोसेक थीटा का बात करूं तो 1 अपॉन साइन थीटा होने वाला है। ठीक, दूसरे की बात करें तो यहां पे आएगा कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहां पे हो जाएगा आपका सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद कर लेनी है, इंपोर्टेंट है। तीसरा आप देखेंगे कि आप टेन थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, तो यहां पे आ जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, दो आइडेंटिटीज में कुछ टेन की एक और आइडेंटिटीज है, वो यहां लिख देता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही यहां पे होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। ठीक है, ये आगे चल के क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो ये रहेंगे, तो पहली आइडेंटिटी ये होगी, इसी का उल्टा ये वाला आइडेंटिटी है, इसका उल्टा ये वाला, इसका उल्टा ये वाला। ठीक है, दोनों ये अलग अलग आइडेंटिटीज है, एक ही में बस समझ लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। देखें, यहाँ पे दिया हुआ है साइन, साइन का वैल्यू हमें दिया गया है, और ये कह रहा है 5 ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। साइन का वैल्यू ये दिया हुआ है, और 5 ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करें, तो मैं ट्राइंगल सबसे पहले बना ले रहा हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, और साइन की वैल्यू हम जानते ही हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब हमारे पास क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कर्ण हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो दो साइड हमें दी गई है, तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना? पाइथागोरस का यूज करना है। पाइथागोरस का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, पी सॉरी एच स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये पाइथागोरस होती है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वेयर, ये आपकी जो है पाइथागोरस होती है। पाइथागोरस की अब मैं इन्हें वैल्यू में लगाने वाला हूँ, तो वैल्यू में लगाने पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर। जब मैं देख रहा हूँ कि मैं इसे खोलूंगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वायर माइनस इस वाली वैल्यू को इधर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैंने इधर लिया और इसका होल स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू बी स्क्वायर रह गया। अब मैं इसको करने वाला हूँ कि इसे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का हो जाएगा 4, 4, ठीक है, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए, जब भी माइनस अगर ब्रैकेट से बाहर होता है, तो ब्रैकेट खोलने पर उसके अंदर के सारे पंक्चुएशन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ए की पावर 4 बी की पावर 4, ए की पावर 4 बी की पावर 4 कैंसिल आउट, तो यहां बचा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर जब मैं इधर लगाने वाला हूँ इसके ऊपर, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू 2ab आपके पास आया। क्या आया? बी इज इक्वल टू 2ab, तो मैं यहाँ 2ab लिख दिया। तीसरी साइड हमें जो मिली वो 2ab। अब हमें 5 ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू बतानी है, तो साइन की हमारे पास है, तो LALKKA याद करने के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, तो यहां पे मैं देखता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या है हमारे पास? लंब बटे कर्ण, तो ये है ऑलरेडी। कॉस थीटा की वैल्यू देखें, आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास क्या है? 2ab, कर्ण है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके,
टेन थीटा की जब मैं बात कर रहा हूँ, लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आधार है 2ab, ओके। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है हमारे पास आधार बटे लंब, आधार है हमारे पास 2ab, लंब है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 2ab, ओके। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक का क्या है हमारे पास कर्ण बटे लंब, कर्ण है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये है। तो ये हमारे पास ट्रायग्नोमेट्रिकल फाइव रेशियो है 1, 2, 3, 4 ठीक है, एंड फाइव। तो आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है भाई, आपको ये याद होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग इसमें फिगर में वैल्यू देखना आना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है इस फिगर को समझने में, इन फॉर्मूला को समझने में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करे। कमेंट ड्रॉप करने के बाद मैं उन कमेंटों का नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है, साइन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, साइन का एक फिगर यहाँ पे आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ हम जानते हैं साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास क्या होगा 1 और कर्ण होगा हमारे पास 3, ओके। ये ए बी सी ये आप कर सकते हैं, जब आप इतना कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एक साइड मिस है, जब एक साइड मिस है तो भाई हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कहाँ, पाइथागोरस पे। जब पाइथागोरस पे पहुंच जाएंगे तो पाइथागोरस क्या कहती है, देखो पाइथागोरस क्या कहती है भाई, पाइथागोरस कहती है भैया आप एच का स्क्वेयर कर दीजिए, पी का स्क्वेयर कर दीजिए, प्लस बी का स्क्वेयर कर दीजिए, ओके। तो एच हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वेयर कर दिया, पी हमारे पास 1 है 1 का स्क्वेयर कर दिया, बी हमारे पास है नहीं तो बी को छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखें 9 हो गया माइनस 8, सॉरी 1 हो गया, 1 है 8, यहाँ पे 1 हो गया और इक्वल टू बी का स्क्वेयर हो गया, ठीक है। तो 8 इक्वल टू बी स्क्वेयर, 8 का निकाला तो 2√2 आ गया, ठीक है। अब ये पता है ना 2√2 कैसे आया, देखो अंडर रूट में मैं 8 को लूंगा तो फैक्टर में जानता हूँ 8 के क्या होंगे, 2 × 2 × 2, तो पेयर बाहर निकलता है रूट से, तो पेयर बाहर निकलेगा 2, तो 2 तो 2√2, ठीक है, ये वैल्यू यहां से मिली तो 2√2 हमें मिल गया। अब हमें करना क्या है, इनकी वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देनी है, किस किस की, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कॉस हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ LaLkKa, तो लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, आधार बटे कर्ण होता है तो 2√2/cot3, ठीक है। अब क्या है कोसेक, हम जानते हैं कोसेक ए, कोसेक ए साइन का उल्टा होता है तो 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। टेन ए, टेन ए हम जानते हैं क्या है, टेन ए होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास 1 और 2√2, ओके। अब यहाँ पे टेन हो गया, अब हमारे पास सेक है, सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा हो गया 3/√2, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट करने वाला हूँ इस इक्वेशन में, कॉस ए कोसेक ए प्लस टेन ए और सेक, कॉस का वैल्यू रहा 2√2/3, कोसेक का रहा 3 प्लस, टेन का रहा 1/2√2 और यहाँ रहा 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट रहा, 2√2 + 1/2, जब मैं 2√2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, और इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लीजिए क्या आने वाला है 8, 8 का यहाँ गया तो 16/2√2 + 1 मानी सॉरी 3, थ्री है, थ्री, ओके, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, कोशिश करना पूरा करने के लिए, मैं इसे फॉर्मूला बेस्ड करा रहा हूँ, अभी मैंने आइडेंटिटीज जो लिखाई थी उनके बेस पे करा रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से मैं देखो दिया गया है, गिवन है क्या टेन अल्फा, जब मैं इस फाइव को इसके डिनोमिनेटर में ले लूँ तो ये हो जाएगा 4/5, यानी टेन अल्फा में गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है टेन अल्फा, जब टेन अल्फा गिवन है तो इक्वेशन जो हमारे पास है, देखें इस वाली इक्वेशन में करना यह है कि इस ये एलएचएस है और एलएचएस को लेने के बाद हमें सॉल्व करके आरएचएस लाना है, किसके थ्रू, इस वैल्यू के थ्रू, ओके। तो मैं यहाँ देता हूँ, टेकिंग
LHS, ओके तो मैंने यहाँ LHS ले लिया है, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, ओके तो यहाँ पे वैल्यू देखी मैंने, वैल्यू है 5 साइन, जो वैल्यू हमारे पास क्या है 10 की, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि ये जो फंक्शन है वो 10 में कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाए 10 में। मैं इस 5 को थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ, देखें ऐसा क्या करना है कि ये थोड़ा सा किसमें कन्वर्ट हो जाए 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कॉस को कॉमन लेने वाला हूँ, कॉस अल्फा ऊपर से कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा नीचे से कॉमन ले लिया, ओके तो मैंने कॉस अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। देखिए जब किसी फंक्शन में कोई चीज नहीं हो और उसे कॉमन ले रहे हो, है ना, तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है, ये विशेष ध्यान रखना, साइन में नहीं था कॉस तो कॉस उसके डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस 2 आया, ठीक है ये कट जाएगा, जो वैल्यू आई वो क्या मिली, नई वैल्यू हमें, नई वैल्यू मिलने वाली है 5 टेन अल्फा माइनस 3 अपॉन 5 टेन अल्फा प्लस 3, 5 टेन अल्फा की वैल्यू हमें ये दी हुई है, इसको पुट कर दीजिए, यहां लिख देता हूं पुट इन वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, ठीक है टेन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आपके पास जो वैल्यू बची ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 7, ये आपका आंसर हो गया, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इक्वेशन दी गई है, ये गिवेन इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, गिवेन इक्वेशन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है स्क्वेयरिंग, मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ इसका, मुझे क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर फाइंड आउट करना है तो मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है बोथ साइड्स, तो क्या हैगा 10 टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, ओके इज इक्वल टू 4, टेन से टेन कट जाएगा क्योंकि अकाउंट में है और मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है सेम वैल्यू टेन स्क्वेयर थीटा, देखो टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा, देखो इस वाले पोर्शन का तो हमें वैल्यू चाहिए, यानी इस वाले पोर्शन का तो वैल्यू चाहिए ना, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो इस 2 को उठा के आपको इधर रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2, ओके ये आपका आंसर है, क्लियर आंसर, वन मिनट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोर्ट में दे रखा है, कोर्ट इज क्वेश्चन दे रखा है ये, और ये प्रूफ करना है, ठीक है कोर्ट से हमें सेक और कोसेक की वैल्यू निकाल लेनी है और इसमें पुट कर देनी, आंसर आपके पास होगा, तो देखें मैं यहाँ पे भी एक फिगर तैयार कर लिया है मैंने, ठीक है कोर्ट का है LAL KKA, ये आपको याद करने के लिए कॉट का होता है आधार बटे लंब, आधार हमारे पास 4 है, सॉरी आधार हमारे पास 3 है, 4 हमारे पास लंब है, आधार बटे लंब होता है, ध्यान दीजिएगा आधार बटे लंब होता है कॉट का, तो आधार हमारे पास 3 हो गया और लंब हमारे पास 4 हो गया, यानी हाइपोटेनियस हमें निकालना, कर्ण निकालना, जब हम जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वेयर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वेयर, तो 16 प्लस 9, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 25 और कर्ण बराबर हो गया 5, तो यहाँ पे आपका 5 वैल्यू आ गया। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक ए की, सेक ए हम जानते हैं सेक ए होगा कर्ण बटे आधार, क्या होगा बेटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारे पास 5 और आधार हमारे पास 3, कर्ण बटे आधार 3, सेक कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक ए कोसेक उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है हमारे पास 5 और लंब हो जाएगा 4, तो ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है, इसमें रख दीजिए, यहाँ पे मैं टेकिंग
एलएचएस, ध्यान देना, एलएचएस इक्वल से इधर वाली साइड को कहते हैं और आरएचएस इधर वाली साइड को कहते हैं, ठीक है। एलएचएस लेता हूं तो अंडर रूट में सेक की वैल्यू रखता हूं, सेक की वैल्यू है 5/3, 5/3 माइनस, तो सेक की वैल्यू है 5/4, ओके। नीचे सेक की वैल्यू 5/3 और यहाँ 5/4, ये प्लस हो जाएगा, वैल्यू मिल चुकी है। देखें एलसीएम लेने पर मुझे 12 मिलता है, एलसीएम लेने पर 12 मिलता है, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें एलसीएम लेने पर अगेन मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है, 3 का 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 20 प्लस यहाँ पे 3 टाइम, 3 का 15, ओके। यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मुझे मिल रही है क्या, 5, ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है, 5 अपॉन 12 अपॉन 35 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, जो वैल्यू बची है आपके पास क्या बची, 5 अपॉन 35, और इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आपका बचा 1 अपॉन अंडर रूट 7, ओके। देखो वन दोनों यहाँ 1/7 आ रहा था ना, तो वन जो अंडर रूट से बाहर वन निकालेंगे तो वन ही आता है, क्योंकि वन का स्क्वायर ऑलमोस्ट वन ही रहता है, तो इस वजह से मैंने बाहर निकाली अंडर रूट से, तो 1/7 दैट इज आंसर, ओके। यही आपका आंसर आंसर आउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कॉस दे रखा है, ठीक है, कॉस दे रखा है। तो देखो इसको एक और तरीके से मैं आपको कराया था, मैंने ट्राइंगल बेस तो आपको करा ही दिया है ना, अभी एक और बेस मैं करा देता हूँ जिससे आपको ये आसानी हो जाए इसे करने के लिए, पर उसके लिए एक आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी वाली आइडेंटिटीज, वो मैं यहाँ देख देता हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ओके, और कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये आपको तीन आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, ओके। तो मैं यहाँ देखता हूँ, कॉस ए मेरे पास है 3/5 भी है, क्यों ना मैं स्क्वेयर कर दूँ दोनों साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो कॉस स्क्वेयर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 9/25, और कॉस स्क्वेयर ए मैं तो जानता हूँ ये कॉस स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9/25, और जब मैं साइन स्क्वेयर ए को इधर ले लूँ इसको इधर ले लूँ, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए, ओके। इसका किया तो देखो इसका एलसीएम लेके जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 25 माइनस 9/25, ओके, साइन स्क्वेयर ए, तो वैल्यू जो मिलने वाली है वो हमें मिलेगी क्या 16/25, और इसका साइन स्क्वेयर ए, जब मैं स्क्वेयर को हटाऊंगा तो यहाँ मुझे मिलने वाला क्या है, यहाँ मिलने वाला है 4/5 साइन ए, ध्यान देना साइन की वैल्यू ये रही, कॉस की वैल्यू ये रही, अब मुझे फाइंड आउट किस करनी है, टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन मैं जानता हूँ वी हैव टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू है 4/5 एंड 3/5, 5 से 5 गया, ओके, नेक्स्ट 5 से 5 गया, तो आपका आंसर आया 4/3, तो टेन की वैल्यू क्या आई 4/3, जब 10 की वैल्यू 4/3 है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब इस मैं वैल्यू पुट करता हूँ इन तीनों वैल्यू को, साइन की वैल्यू क्या थी भाई हमारे पास, साइन की वैल्यू थी आपकी, साइन की वैल्यू क्या आई थी बता सकता है, 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 माइनस 1/10 की वैल्यू, देखो 10 की वैल्यू 1/4/3 आ रही थी ना, और 1 के अपॉन ऑलरेडी है तो 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, तो यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ पे 4, ओके। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ अगेन 2 10 8, टू क्या हो जाएगा 4/3, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा ऊपर, एलसीएम लिया क्या आ रहा है 20, 4 टाइम 16, 5 टाइम 15, ओके, अपॉन नीचे गया तो 8/3 आपका क्या बचा ऊपर 1, ठीक है, 1/20, 1/20 एंड 8/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आपका जो आंसर बनेगा वो रहेगा 3/160, ये रहेगा आंसर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है।
ये आप सेल्फ करेंगे या मैं करके दिखा देता हूँ। चलिए सेल्फ छोड़िए, आपको क्या दिक्कत हो सकती है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगली बार मैं इसे ट्राइंगल्स करता हूँ। यहाँ पे आपका ए बी सी, ठीक, बी सी हमारे पास वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, कॉस ए दे रखा है, तो कॉस ए एल के ए, ध्यान देना कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास क्या है 5 और कर्ण क्या है हमारे पास 13, तो कर्ण हमारे पास 13 और आधार है हमारे पास 5, ठीक है। अब हाइपोटेनियस से उसे हाइपोटेनियस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर, इससे हमें एक और साइड निकाल लेनी है। हाइपोटेनियस हमारा यानी कि 169 हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं है, बेस हमारे पास 25 हो गया, यहाँ लगाया तो 144 हो गया, पी इज इक्वल स्क्वायर तो 12 आ गया भाई, पी इक्वल टू क्या आया हमारे पास 12। मैंने सारा प्रोसेस थोड़ा सा एक दो स्टेप गैप किए हैं, वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13, और कॉस ए होता है भैया, कॉस ए होता है आपका, अभी बताया था कॉस ए 5/13 क्या है, 5/13, और टेन ए, टेन इन दोनों को रख लीजिए, दोनों को रख लो, 13/13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12/5, ओके 12/5। अब इन वैल्यू को इसमें रखिए, आपको जो क्वेश्चन दी गई है उसमें रख लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखें इसके अंदर करता हूँ, साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू हो गई 1/144/169 माइनस कॉस ए की वैल्यू हो गई 25/169, ओके अपॉन 2 इंटू क्या आ जाएगा 12/13 × 5/13, ये साइन और कॉस की वैल्यू मैंने रखनी है, ठीक है। इंटू करने पर मुझे जो है टेन की वैल्यू यहाँ रखनी है, टेन की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा तो ये ऊपर जाएगा 25 और नीचे आएगा 144, ओके ये हो गया, ये वैल्यू हो गई। यहां पर एलसीएम ले लीजिए आप, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम आया 169, यहाँ 144 − 25, ओके अपॉन नीचे जो आया इंटू करने पर 169, ठीक है, इन दोनों का इंटू किया 12/60 यानी कि 120, ये फोर्थ स्टेप हो गए, इंटू 25/144, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से मैंने इसे माइनस किया तो ये आ गया आपका, देखिए जब मैं इसे कैरी करूंगा तो 9 बचा, यहाँ 3 3 में 2 किया तो 1 1/120 × 25/144, ये रहा आपका आंसर इसका, ओके ये नेक्स्ट चलते देखें। ये कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सी है, क्या है सी, इसमें राइट एंगल है, फर्स्ट वाले में जो आपका ट्राइंगल था उसमें आपको ए दिया गया था, इसमें सी दिया गया है, और टेन ए इज इक्वल टू दिया है ये, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपल सा। तो देखें यहां पे मैं बना ले रहा हूं, क्या है सी ए बी, ओके तो सी राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल सी है, ए यहाँ आएगा सी यहाँ आएगा, ओके ये मैं देख रहा था क्या मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई थी कुछ, तो यहाँ सी आएगा, सी ओके तो ये सी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सी का क्या होगा भैया, टेन का वैल्यू दे रखा है, जब हमें टेन ए का वैल्यू 1 दे रखा है तो मैं इसके डिनोमिनेटर में लगा लूँ, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो हम जानते हैं एल ए एल बटे के ए, तो लंब बटे आधार यानी लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो ये हो गया। तीसरी साइड निकाल लीजिए, इन दोनों का स्क्वेयर कर देंगे तो √2 आने वाला है, तीसरी साइड में निकाल ली √2 आ गई। अब इस √2 की वैल्यू यहाँ साइन से निकाल लीजिए भैया, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होने वाला है, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ए है ऑलरेडी तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है फिगर को, तो ए है तो हमें क्या करना है, साइन ए की वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास 1, कर्ण है हमारे पास √2, और यहाँ पे आपके पास साइन हो गया, कॉस होगा, कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस होता है भैया लाल बटे कक्का, तो यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण
वन आपका आंसर आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे टेकिंग एलएचएफ तो यहाँ टू साइन ए कॉस ए बराबर वन, तो टू इंटू साइन ए हमारे पास क्या है वन बाई रूट टू, कॉस ए वन बाई रूट टू और इक्वल टू वन, वन तो लाना ही है इसे प्रूव करके। तो देखो रूट टू रूट टू यानी टू हो जाएगा, सी कैंसिल आउट, तो वन आपका आंसर वन इक्वल टू वन यानी क्वेश्चन आंसर क्लियर। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगर हमारा जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो मैं आपको लाऊंगा आगे के लिए। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देखिए आपके पास जो है 10th क्लास का टेस्ट चंद आता है, आर डी शर्मा एक बुक है वो आती है, एनसीईआरटी है, रिफ्रेशर्स लगा सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है उन क्वेश्चनों में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट में उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।